इस वक्त भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रदर्शनी में मौजूद थी, जहां अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने उन्हें किसी तरह से उठाकर कुर्सी पर बिठाया। सूत्रों के मुताबिक साध्वी प्रज्ञा स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण पिछले काफी समय से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थी। उन्होंने वीडियो संदेश के जरिए कहा था कि उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें एक आंख से दिखना बंद हो गया है, दूसरी से भी धुंधला और केवल 25% दिख रहा है, साथ ही ब्रेन से लेकर रेटिना तक में सूजन और पस है। डॉक्टरों ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर को बातचीत करने से 30 मई को प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गुमशुदगी के पोस्टर भोपाल में लगाए गए थे। भोपाल में अपने लापता होने के पोस्टर चस्पाने पर उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की घृणित हरकत है। लॉकडाउन में वो जरूर दिल्ली में है, लेकिन उनकी पूरी टीम भोपाल संसदीय क्षेत्र में तत्पर है। न्यूज डेस्क।